दगड़ियों, एक बार फिर से स्वागत आप सभी को मेरा इस YouTube चैनल नीरज खंडूड़ी ब्लॉग्स पर। तो दगड़ियों, आज को जो ब्लॉग होने वालों तय को टॉपिक छ कि हमारो इष्ट देव दुलेश्वर महादेव हमारी ग्राम सभा में आज रात्रि में पधान लग्या। तो त्यों की थौलू भोल होनी, कनकनी त्यों की थौलू मनांदा हम, क्या क्या की रसम बनांदा तय दिना, कनकन द्यावते नचांदा। सारी वीडियो पर आप सभी तय देखने को मिल दूं। तो दोस्तों, पूरी लास्ट तय ये वीडियो जरूर देखिया। तब तक मैं अपनी दादी अगर तय दुलेश्वर महादेव की कथा सुना दू। आंत दादी कन कन बनी दा दुल्हा देवता। दूल्हे देवता गाँव वालों बताई सिंगार ना दीने जी कुड़ी बुकुड़ी जोर से बोलता बताई गुस्सा आई रात आई चली वो कुत्ता करी पाला राती रात वो मात्री उन हरी वो उत्तम रे बेटू देवता बनी तब वो देवता बनी तब तई बे तई दुआ बन गई तब अड़ बे आ माल डखरो आ लगाओ सूर भी ले अपड़ी गई ली तब तई बे दुआ बन गई तब जब तई वे दुआ बुडू कुंग बोल के पकड़ कर रहे थे दे नहीं पकड़ना तब आई ना ले यार बेल क्या जी तब रे बेटे हम पूजा था त्यों तो बस ये ना दुल देवता का था। बस सही था। ओके, सारी गांव में आता है की कृपा ना था सारी हाथ तड़पट्टी में सारा दुनिया मत नहीं गुजो। हां हां, दुनिया मत नहीं बेचारो। लाइव आएगा बड़ी साफ बन रही यार। इसमें किसका फोन है ये? मेरा भाई है सुभाष को। सुभाष पहला सुभाष। हां Thank you.
वही सबसे बड़ा है। बिल्कुल तो यारों अब हमारो इष्ट देवता दुल्लेश्वर महादेव अपनी जन्मभूमि ते प्रस्थान करने लग्यूं। ग्राम पंचायत सीरमा जगत्यों को जन्म हुई और ज्यों की थोलू ओल होनी चार गो हथोड़ घूम दो हमारो देवता। तो दगड़ियों समाप्त कर दा आज को यो पुराना रीति रिवाज का ब्लॉग जयपुर तुमन देखी कि हमारी गढ़वाल मा थोलू कनकन मनांदा जब इष्ट देव औंद कई कोता थोड़ू कई प्रकार मनांदा की के रसम रंदी। तो गाइज इन छा अगर तुम ये वीडियो बढ़िया लगी अच्छी लगी तो जरूर कमेंट करें और अगर तुम्हारा मन में कुछ सुझाव आने लग्या तो जरूर तय सुझाव भी साझा करें। तब तक अपनो ध्यान रखिया ख्याल रखिया। जय देवभूमि जय उत्तराखंड।